हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे वैलोरेंट गेम के बारे में, जो कि इन दिनों वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गेम बन चुका है। हालांकि गेम के कंसेप्ट के बारे में बात करी जाए तो गेम का कंसेप्ट काफ़ी ही CS:GO से मिलता जुलता है। अगर आपने काउंटर स्ट्राइक ग्लोबल ऑफेंस खेला हुआ है तो आपको इस गेम पर स्विच होने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। CS:GO की तरह इस गेम में भी दो बॉम्ब साइट होती हैं और पांच पांच बंदों की दो टीम होती हैं। एक होती है डिफेंडर्स और एक होती है अटैकर्स, मतलब के टेररिस्ट एंड काउंटर टेररिस्ट। टेररिस्ट को बॉम्ब प्लांट करना होता है और डिफेंडर्स को बॉम्ब डिफ्यूज करना होता है। जौन सी टीम जीतती है उसको पॉइंट मिलते हैं। गेम के ग्राफिक्स के बारे में बात करी जाए तो गेम के ग्राफिक्स काफ़ी फ्लैट और कार्टून टाइप के आपको यहाँ पर दिख जाते हैं। अगर आपने पहले फोर्टनाइट कभी खेला हुआ है तो सेम उसकी तरह आपको यहाँ पर ग्राफिक्स यहाँ पर दिखाई दे जाते हैं। एक टीम में पांच बंदे होते हैं और उन पांचों के पास अलग अलग पावर्स होते हैं जिनको यूज़ कर वो अपने एनिमी को मार सकता है, और यही चीज़ इसको CS:GO से अलग बनाती है। मैंने इस गेम को 2 से 3 घंटे खेला और जो मैंने एक्सपीरियंस किया 2 से 3 घंटे में ही, वो काफ़ी बेहतरीन था। CS:GO से मिलता जुलता था लेकिन इसके ग्राफिक्स जो हैं काफ़ी कलरफुल थे, इस वजह से अलग सा लगा मुझे कुछ। तो आपको भी इसको एक बार ट्राई ज़रूर करना चाहिए। अगर गेम के डाउनलोडिंग साइज़ के बारे में बात की जाए तो गेम का डाउनलोडिंग साइज़ आपको मिल जाता है 3 से 4 GB के अंदर ही आपको मिल जाता है, जो कि आजकल आम बात है, कोई भी डाउनलोड कर सकता है यार। लेकिन आपको एक बार में ही ये डाउनलोड करना पड़ेगा, अगर आप पॉज करोगे तो ये रीस्टार्ट हो जाएगा। और अगर इसके PC रिक्वायरमेंट्स के बारे में बात की जाए तो आपको 4 GB रैम और i5 या i3 हो तो भी ये गेम आसानी से आपके PC में चल जाएगा। ग्राफिक्स कार्ड हो तो पूछो ही मत कितना अच्छा ये गेम चलेगा। इस गेम को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर क्लिक करें और आप लैंड हो जाएंगे इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, जहां पर आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट है तो साइन इन कर दीजिए, अगर नहीं है तो मेक ओपन कर दीजिए। मेरा है तो मैंने लॉग इन कर दिया है और डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके बाद आपको डाउनलोड करने के बाद कुछ छोटी सी फाइल आपको एक लॉन्चर टाइप डाउनलोड होगी, उसके बाद आपको इसको इंस्टॉल करना है और कुछ नहीं करना। इंस्टॉल डायरेक्टली इंस्टॉल नेक्स्ट जाके आपको कर देना है। इसके बाद आपका सिंपली जो लॉन्चर हो वो ओपन हो जाएगा और आपको फिर से यहाँ पर साइन इन करना पड़ेगा। साइन इन करने के बाद आप सीधा आपकी डाउनलोडिंग यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी, जो कि 3 point something GB डाउनलोड होगा। और डाउनलोड कंप्लीट होने के बाद आपको PC को एक बार रीस्टार्ट करना है और उसके बाद आपको डायरेक्टली इसको प्ले कर देना है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में बताएं आपको ये गेम कैसा लगा।